दोस्तों, धरती पर इंसान कहां से आए ये आपको पता है? और क्या आपको ये पता है कि अब अगले कुछ सालों में ही पृथ्वी पर इंसान का राज खत्म होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस धरती पर एलियन का राज होगा। कहा जाता है कि आज से करीबन 4.5 बिलियन साल पहले हमारी ये धरती बनी थी और 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर पहला कोई जीवन बना होगा। हालांकि इंसान इस धरती पर करोड़ों साल बाद आए होंगे। माना जाता है कि इंसान करीबन 2 मिलियन साल पहले इस धरती पर पहली बार आए थे। इंसान के अपने पूर्वजों के निशान ढूंढने के लिए लगभग पूरी धरती लांग दी। आखिर हम इंसान इस धरती पर आए कैसे? आखिर इस जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आखिर हमने सोचना और समझना कैसे सीखा? आखिर हम दूसरे जानवरों से इतना अलग क्यों है? आखिर सिर्फ हमने इतनी तरक्की कैसे की? ये कुछ ऐसे सवाल है जो तभी भी इंसान ने सोचे होंगे और आज भी हम सोचते हैं। लेकिन क्या होता अगर हम इंसान कभी इस धरती पर आते ही नहीं? तो क्या होता अगर हमारा इस धरती पर नामो निशान ना होता? दोस्तों, आज मानव काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो, और इस बात का शायद हम में घमंड भी है। इसीलिए आज हम इंसान अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है कि हम इस धरती पर मौजूद सभी जीवों से सबसे ऊपर है, और इसीलिए लगातार हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। आज लाखों के पैमाने में पेड़ काटे जा रहे और ऐसे कई काम किए जा रहे जो कुदरती तौर से कभी भी नहीं करने चाहिए थे। आज हम इंसानों में इतना घमंड आ चुका है कि हम सीधा कुदरत को टक्कर देने चल पड़े हैं। आज धरती तो क्या, हम आकाश को भी छूने में कामयाब हो चुके हैं। कई लोगों को लगता है कि हम इतने काबिल हो चुके हैं कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुदरत से ताकतवर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी जानवर चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, वो आखिरकार रहेगा तो जानवर ही, जिसे कुदरत ने जन्म दिया। अगर कुदरत जन्म देना जानती है तो उसे खत्म करना भी जानती है, और इसके बारे में हम सबने इस कोरोना महामारी में काफी अच्छे से सीख लिया है, और ऐसा कुदरत ने पहली बार नहीं किया है। साल 1720, 1820 और 1920 लगभग हर 100 साल में कुदरत ने हमें हमारी जगह पर लाकर पटक दिया है। वैसे तो अब सारी इंसानी सभ्यता को तो खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा भी पल इतिहास में आया था जहां लगभग हम सारे इंसान खत्म होने वाले थे और इंसानी सभ्यता हमेशा के लिए गायब हो जाती। ये पल ऐसा था जब दुनिया में बस 2000 इंसान से भी कम लोग बचे थे। माना जाता है कि हजारों साल पहले इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी। पहले इंसान बस अफ्रीका में ही पाए जाते थे और वहां पे छोटे मोटे समूह में रहना पसंद करते थे। ये आदि मानव थे, गुफा में रहते थे, शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे। तभी आम इंसानों का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था। हमने कुछ पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था जो कि हमें बाकी जानवरों से सुरक्षित रखता था और साथ ही शिकार करने में काम आता था। हम इस वक्त शिकारी जानवर थे। हम किसी भी चीज की समझ नहीं रखते थे और बिल्कुल किसी जानवर की तरह जीते थे, और इसी वजह से हमारे आपस के जानवरों का इतना ज्यादा शिकार कर लिया था कि उन जानवरों की प्रजाति में कमी होने लगी थी, और ये सीधे हमारे लिए नुकसान था क्योंकि हमारे पास शिकार करने के लिए जानवर नहीं थे, और धीरे धीरे भूख प्यास की वजह से हम मर रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वक्त हमारी प्रजाति में ज्यादा से ज्यादा बस 2000 लोग बचे थे जो भी कुछ पल में मर जाते, लेकिन किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा और अपनी पॉपुलेशन को फिर से बराबर करने के बाद इस बार वो बस अफ्रीका के लिए सीमित नहीं थे, क्योंकि हम इंसानों ने अपनी पहली गलती से सीख लिया था कि एक जगह पर रहने से फिर से खाने की कमी हो सकती है, और इसीलिए धीरे धीरे हम इंसान दूसरी जगहों पर भी जाने लगे। और एक पल ऐसा हो गया जब लगभग धरती के हर कोने में इंसान पहुंच चुके थे। लेकिन अगर अब अचानक से इसी धरती से हमारा नामो निशान गायब हो जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसी चीज है जो धरती को पूरी तरीके से बदल देगी, और हम बात कर रहे हैं बस इंसानों की। इंसानों की बनाई हुई हर चीज और सारे जीव जंतु अभी भी मौजूद होंगे, बस किसी वजह से हम सारे इंसान गायब हो जाएंगे। सबसे पहले जब ऐसा होगा तो पूरी धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा। इंसानों की चहल पहल पूरे तरीके से रुक जाएगी, और इस वजह से धरती पर ऐसा सन्नाटा होगा जो पिछले हजारों साल में कभी नहीं आया होगा। सारे जानवर भी पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। इस सब के बारे में सबसे पहले पक्षियों को पता चलेगा, क्योंकि वो आसमान में उड़ते हैं, और पक्षियों को ये भी पता चलेगा कि तुरंत सारे सिग्नल सब कुछ बंद हो चुका है, जो कि उनको काफी नुकसान पहुंचाता है। सिग्नल की ही तरह इंसानों की बनाई गई हर एक चीज लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी।
बिजली की सारी सप्लाई पूरी दुनिया में रुक जाएगी, क्योंकि लगातार बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर चलते रहते हैं, इसे इंसान जलाते हैं, लेकिन इंसानों के खत्म होते ही ये बंद हो जाएंगे। इसके कुछ घंटे बाद जब रात होगी तो ऐसी रात किसी भी जानवर ने आज तक नहीं देखी होगी, क्योंकि हर एक देश आजकल रात में भी पूरी तरीके से चलता रहता है। जैसे कि रात में 68% अमेरिका शुरू ही होता है, और जापान की बात करें तो 95% जापान पूरी रात जागता रहता है। लेकिन इस रात ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिजली ना होने की वजह से लगभग पूरे तरीके से अंधेरा छा जाएगा। ये धरती के सबसे कालेपन में से एक होगा, क्योंकि पहले आसमान साफ हुआ करता था, इसीलिए तारों की रोशनी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन हमारे पॉल्यूशन की वजह से आसमान भी साफ नहीं रहेगा, और एक बहुत ही काला अंधेरा हर जगह पर छाया होगा। इसके करीब 2-3 दिन बाद धरती पर हर जगह पर विस्फोट होने लगेंगे, वो भी बहुत ही बड़े बड़े और भयानक। ये विस्फोट होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के। न्यूक्लियर पावर प्लांट के हर वक्त कूलिंग फैन चलता रहता है, ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की गर्मी को कम किया जा सके और बड़े रिएक्शन होने से रोक दिया जा सके। लेकिन बिजली ना होने की वजह से ये सारे कूलिंग फैन रुक जाएंगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी तरीके से ठंडे नहीं होंगे, और उसके अंदर का यूरेनियम बुरी तरह से जलने लगेगा, और कुछ ही देर में बहुत ही बड़े धमाके होंगे। आपको यूक्रेन के क्रेडिबल पावर प्लांट के बारे में तो पता ही होगा, ये सारे धमाके उसी लेवल के होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि ये धरती के हर एक कोने में हो रहे होंगे। हो सकता है कि इसकी वजह से धरती पर कई जानवरों की प्रजाति भी नष्ट हो जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सब शांत हो जाएगा, और इन सब के करीब 10 साल बाद धरती बहुत ही ज्यादा अलग हो जाएगी। हमारे द्वारा बनाई गई सारी बिल्डिंग्स कुदरत की गोद में समा रही होंगी। देखा जाए तो इस वक्त पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा गिर गया होगा, और हर एक चीज धीरे धीरे प्योरीफाई हो रही होगी। धरती धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में वापस जा रही होगी, और हो सकता है कि इस वक्त पहले विलुप्त हो चुके जानवर भी वापस आ रहे हो। करीब 50 साल बाद लगभग सारे जानवर जंगली जानवर बन जाएंगे। जिन पालतू जानवरों को आज हम पालते हैं, वो अपने पूर्वज जैसे बढ़ावा देने लगेंगे। इस वक्त इंसान द्वारा निर्मित की गई लगभग सारी चीजें प्रकृति की गोद में चली गई होंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी के टेम्परेचर में भी काफी फर्क आ जाएगा। इस वक्त पृथ्वी पहले से कहीं गुना ज्यादा हरी भरी दिखाई देगी, और करीबन 100 साल बाद प्लास्टिक को छोड़कर इंसानों द्वारा निर्मित की गई हर एक चीज लगभग गायब हो चुकी होगी। और इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज्यादा कम हो गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी चीज धरती पर मौजूद नहीं होगी। धरती करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस कम गर्म हो गई होगी, और करीबन 500 साल बाद धरती की पूरी तरीके से काया पलट चुकी होगी। ऐसे कई नए जीव जंतु होंगे जो इस दुनिया में आ गए होंगे, और हो सकता है पहले पाए जाने वाले कई दुर्लभ जीव भी फिर से जंगल में मिलने लगे होंगे, और समंदर के जीव में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आज हमारी वजह से समुद्र के कई जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे, लेकिन ये वक्त ऐसा होगा कि जब समुद्र के जीव कोई भी विलुप्त नहीं होगा, और नए नए जीव समंदर में पैदा होते रहेंगे। धीरे धीरे समुद्र में पाए जाने वाले जानवरों की संख्या और उनकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस वक्त मौजूद सारे जीवों में काफी ज्यादा बदलाव आ जाएगा। सारे जीव धीरे धीरे करके बर्फ में रहने के लिए विकसित होने लगेंगे, और जो जीव विकसित नहीं हो पाएंगे वो शायद विलुप्त हो जाएंगे, या फिर वो अपना जीवन जीने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेंगे। और धरती पर से इंसानों के जाने के करीब 10,000 साल बाद विस्फोट हुए सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिरकार ठंडे होंगे, यानी कि उनके अंदर से न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाएगी, और वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेंगे। अब इनके अंदर से रेडियो एक्टिव पदार्थ छूटने बंद हो जाएंगे, और ये जगह भी पूरी तरीके से कुदरत की गोद में समा जाएगी। अब तक लोखंड की बनी सारी चीजें मिट्टी में मिक्स हो गई होंगी, और अब बस कुछ बचा होगा तो वो है प्लास्टिक। अब इन सब के करीब 50,000 साल बाद प्लास्टिक भी धीरे धीरे डीकम्पोज होने लगेगा, और हार्ड प्लास्टिक को छोड़कर बाकी सारी प्लास्टिक की चीजें करीबन डीकम्पोज हो चुकी होंगी। अब समंदर पहले से कई गुना ज्यादा साफ होगा, पूरी धरती पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, और देखा जाए तो धरती की साइज भी पहले से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि धरती पर पेड़ पौधों की एक अलग ही परत होगी। अब धरती पर कई ऐसे जानवर घूमने लगेंगे जिनके बारे में हम इंसान जानते भी नहीं। अब जानवर पूरे तरीके से जहां पर भी जाए वहां जा सकेंगे। अब इन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। अब वो पल आ जाएगा जब धरती पूरे तरीके से आजाद होगी, और सारे जानवर अपने मन मुताबिक जी पाएंगे,
और इसके करीब 1,00,000 साल बाद धरती पूरी तरीके से बदल गई होगी। अब इस धरती को देखकर कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पर कभी इंसान रहा करते थे। इंसानों की बनाई गई हर एक चीज, यहाँ तक कि प्लास्टिक भी कहीं समा गया होगा। लेकिन वहीं पर एक थियोरी आती है, जो एप्स है वो इंसानों से 98% मेल खाते हैं। चिंपैंजी और बंदरों का ब्लूप्रिंट इंसानों से इतना मिलता जुलता है, और शायद इतने सालों के विकसित होने के बाद ये 2% भी मिल जाए और यही बंदर विकसित होकर फिर से इंसान बन जाए। लेकिन इंसानों को इस धरती पर पहले भी इंसानी सभ्यता थी, इसके बारे में पता लगाने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि हमसे पहले भी इंसानी सभ्यता रही होगी, जो पूरे तरीके से विलुप्त हो गई होगी और इसके बाद हम आए होंगे। ये बहुत ही प्रचलित थियरी है और लोगों का यही मानना है कि आगे ऐसा ही होगा। हमारे विलुप्त होने के बाद फिर से इंसान की प्रजाति आएगी, और अगर ऐसा ना भी हो फिर भी 1,00,000 साल बाद जरूर कोई ना कोई ऐसी सभ्यता आएगी जो हमसे भी कहीं गुना ज्यादा चालाक होगी, क्योंकि एवोल्यूशन और वक्त ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि कभी नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।